फिनो पेमेंट बैंक में एक नया अपडेट आया है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। ये केसिंग के बारे में है। ये देखिए जो आप SBI ऑटो केसिंग, मतलब आप ये कंप्लीट पढ़ लीजिए। मैं इसके बारे में मैं पढ़ कर नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्टली क्या क्या लिखा है मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, लेकिन ये आप पढ़ लीजिए, है ना। मतलब ऑटो केसिंग कैसे होता है उसके बारे में मैं बताऊंगा। कंप्लीट मेरा वीडियो देखिएगा। आपका पोर्टल लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद देखिए केसिंग है ना, केसिंग में जब आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो ये तीन ऑप्शन आएगा। जब तीन ऑप्शन आएगा तो रिक्वेस्ट लिमिट न्यू, जब इसमें क्लिक करेंगे इसका अंदर में अकाउंट मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। जो जो अकाउंट है कोई भी अकाउंट में आप डिपोजिट करिए, ऑटो केसिंग आप डिपोजिट करिए, आपका अकाउंट में ऑटोमेटिक पैसा आएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका एक ही मोबाइल नंबर से यदि दो वॉलेट है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है रिटेलर है, तब आप रिक्वेस्ट डालना ही पड़ेगा, ऑटो केसिंग नहीं होगा। क्योंकि वो लोग अभी सिस्टम नया है चालू किया है, जो रिटेलर का एक ही मोबाइल नंबर से एक ही आईडी है, वो रिटेलर कैसे करेंगे सुनिए। पहले आप स्टेट बैंक का अकाउंट कोई भी अकाउंट में स्टेट बैंक का अकाउंट में पैसा डालिए। कैसे डालेंगे, आप CDM में जाइए, स्टेट बैंक का CDM में जाइए। CDM में जाकर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिएगा, दूसरा कोई भी नंबर डालेंगे तो कभी ऑटो केसिंग नहीं होगा। आपका अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालिए, उसके बाद केसिंग रिक्वेस्ट जो डालते हैं उसमें स्टेट बैंक का 4-5 अकाउंट है, कोई भी एक अकाउंट आप सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करके वो अकाउंट नंबर डालिए, डालने के बाद में कंफर्म मारिए, कंफर्म मारने के बाद में आपका पैसा डालिए। पैसा डालने के बाद आपका ऑटोमेटिक सब शो करेगा, उसके बाद कंफर्म मारिए, आपके पास स्लिप आएगा। स्लिप आए या ना आए वो जरूरत नहीं है, आपका रिक्वेस्ट डालना जरूरत नहीं है। आपका 15-20 मिनट के अंदर में आपका पैसा आपका वॉलेट में आ जाएगा। आपकी मेहनत और ग्राहकों का भरोसा ही है फिनो बैंक की ताकत।